बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में लेज़र के बारे में बात करेंगे। लेज़र बीम का जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट टाइम आइंस्टाइन ने प्रेजेंट किया था 1917 में। लेज़र एक डिवाइस है नैरो बीम को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि हाईली इंटेंसिव मोनोक्रोमेटिक हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि वो लाइट जिसमें सिर्फ एक कलर हो, उसकी जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा हो, पर वो लाइट कोहेरेंट भी हो, उसकी जितनी भी वेव्स हैं उनका सेम फेज हो, सेम एंगल हो और सेम फ्रीक्वेंसी हो। अगर हम लेज़र की बीम को आम लाइट से डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज से हमें पता चलेगा कि ये लेज़र बीम है। सबसे पहले तो लेज़र बीम मोनोक्रोमेटिक होगी, मतलब कि उसकी सिंगल वेवलेंथ होगी। सिंगल वेवलेंथ होने की वजह से उसका सिंगल कलर होगा, कोई भी कलर हो सकता है पर सिर्फ एक कलर होगा। उसके बाद वो लाइट कोहेरेंट लाइट होगी, उस लाइट में जितनी भी वेव्स हैं वो सेम फेज में होंगी, सेम एंगल होगा उनका, सेम फ्रीक्वेंसी होगी उनकी। लाइट ट्रेवल करेगी पर सेम डायरेक्शन में, मतलब कि जितनी भी वेव्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी। पर ये शार्पली फोकस्ड भी होती है, क्योंकि इसका एक ही कलर होता है और ये डिस्पर्स नहीं होती, एक जगह पर फोकस हो जाती है और एक्सट्रीमली इंटेंस होती है। इसकी जो शिद्दत होती है, इसकी इंटेंसिटी होती है, बहुत हाई होती है। लेज़र वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं वो लेज़र डिवाइस में लेज़र बीम को प्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस को शो करते हैं, जैसे कि एल से लाइट, ए से एम्प्लीफिकेशन, बाय एस से स्टिम्युलेटेड, ई से इमिशन, ऑफ आर से रेडिएशन। आज हम इस वीडियो में इन सारे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें लेज़र के प्रिंसिपल की, तो लेज़र किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो लेज़र बीम को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एटम को एक्साइटेड स्टेट में लाना होगा। वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करे तो उसमें से रेडिएशंस प्रोड्यूस हों, पर वो कपल ऑफ रेडिएशंस हों और वो कोहरेंट रेडिएशन हो, मतलब कि उन रेडिएशन का जो फेज है वो सेम हो, उन रेडिएशन की एंगल सेम हो, उनका डायरेक्शन सेम हो, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, तो उन रेडिएशन को हम कहेंगे लेज़र बीम की रेडिएशंस। अगर हम नॉर्मली एक्साइटेशन की बात करें तो एटम जब अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, एनर्जी लेवल E1 में होता है, तो सपोज कर लेते हैं कि उसकी एनर्जी 1 जूल है। वैसे तो एटम के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, उसकी एनर्जी EVs में होती है, पर हम यहाँ पर समझने के लिए 1 जूल ले रहे हैं। और उससे हायर जो एनर्जी लेवल है E2, और सपोज कर लेते हैं कि उसकी एनर्जी है 5 जूल। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो उस पर हम एक फोटोन को इंसिडेंट करेंगे और उस फोटोन की एनर्जी E2 - E1, मतलब कि 5 - 1, 4 जूल होनी चाहिए, क्योंकि एटम के पास ऑलरेडी 1 जूल एनर्जी है और उसको एक्स्ट्रा अगर हम 4 जूल एनर्जी दें तो उसके बाद ही वो एनर्जी लेवल E2 में जा सकेगा। तो इसीलिए हम उसको वो फोटोन दे देते हैं, जिसको कहते हैं स्टिम्युलेटेड एब्जॉर्प्शन, मतलब कि एक्सटर्नल एब्जॉर्प्शन। तो जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, एनर्जी लेवल E2 में आ जाएगा, पर वहाँ पर वो सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहता है और उसके बाद वो स्पॉन्टेनियसली इमिशन को शो करता है और वो ग्राउंड स्टेट में आता है। वही जो रेडिएशन है वो इमिट कर देता है, जो रेडिएशन उसको मिली थी एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए 4 जूल की। पर अगर हम बात करें लेज़र बीम की, तो लेज़र बीम में एक एटम में से एक रेडिएशन से काम नहीं बनेगा, कपल ऑफ रेडिएशन चाहिए। कपल ऑफ रेडिएशन को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स लेने पड़ते हैं जिनमें नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हों, कम से कम 3 एनर्जी लेवल्स हों और एटलीस्ट एक मेटास्टेबल स्टेट हो। मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो लॉन्ग होता है, तकरीबन 3 × 10⁻³ सेकेंड्स, जो कि एटम के लिए बहुत ज़्यादा होता है एक्साइटेड स्टेट में रहने के लिए। और वो जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव मटेरियल। लेज़र बीम को प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्टिव मटेरियल हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्लास, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वगैरह। उसके बाद वो लिक्विड भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ डाई हो गए, जैसे सोडियम फ्लोरोसिन। गैसेस भी हो सकती हैं, जैसे कि एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियोन, और सेमीकंडक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड। हमने लेज़र की बीम को प्रोड्यूस करने के लिए एक एक्टिव मटेरियल लिया है, वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, तो उसमें जो एक्साइटेशन है वो इस तरीके से होगी कि उसमें कम से कम 3 एनर्जी लेवल्स होंगे, E1 सपोज कर लेते हैं 1 जूल,
E2 5 joule, E3 6 joule। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाए, तो एक्टिव मटेरियल के लिए हमें डायरेक्ट उसको E1 से E3 तक पहुंचाना होगा। तो इसके लिए अब हम उस पर एक फोटोन को इंसिडेंट करेंगे। उसकी एनर्जी E3 - E1 होनी चाहिए, मतलब कि 6 - 1 5 joule होनी चाहिए। उस एटम के पास ऑलरेडी 1 joule एनर्जी है। 5 joule अगर हम उसको एक्स्ट्रा देंगे तो वो एनर्जी लेवल 3 में चला जाएगा 6 joule वाली एनर्जी में, और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और जिस एटम पर वो फोटोन होगा तो वो भी एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इस लेवल में भी ये एटम सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक ही रह सकता है, उसके बाद वो एनर्जी लेवल E2 में आ जाएगा और सारे एटम इस E2 में आ जाएंगे। और ये जो लेवल 2 है उसको कहते हैं मेटा स्टेबल स्टेट, जिसका लाइफ टाइम है 3 × 10⁻³ सेकंड। किसी भी एटम को एक्साइटेड स्टेट में रहने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत कम एटम हैं जो ग्राउंड स्टेट में हैं और ज़्यादा एटम हैं जो एक्साइटेड स्टेट में हैं, तो उसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो अब जो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल E2 में है, हम चाहते हैं कि जब वो ग्राउंड स्टेट में जाएं, रेडिएशन को इमिट करें, तो एक एटम एक रेडिएशन को इमिट ना करे, कपल ऑफ रेडिएशन को इमिट करे। तो उसके लिए उस एटम पर हमें एक और फोटोन को इंसिडेंट करना पड़ेगा और उसकी एनर्जी E2 - E1 5 - 1 4 joule होनी चाहिए, मतलब कि उससे वो अगले स्टेट में भी ना जाए और फौरन वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए और रेडिएशन को भी इमिट करे, पर रेडिएशन कपल ऑफ रेडिएशन होनी चाहिए, जिसको कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन, मतलब कि एक्सटर्नल इमिशन। वैसे तो एटम एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो अपने आप आता है, पर यहाँ पर हमने एक्सटर्नली उसको ग्राउंड स्टेट में बुलाया है। अब ये जो कपल ऑफ रेडिएशन प्रोड्यूस हुई हैं, ये कोहेरेंट बीम है, मतलब कि इनका फेस सेम है, इनकी एंगल सेम है और इन बीम्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है, तो इन बीम्स को हम कहेंगे लेजर बीम्स। अगर हम कंटिन्यूसली लेज़र की बीम को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए कपल ऑफ रेडिएशन से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे कपल्स ऑफ रेडिएशंस कंटिन्यूसली हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे जिसमें हमने एक एक्टिव मटेरियल गैस को फिल किया है जो कि हीलियम और नियॉन का मिक्सचर है। वो जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसमें एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर है जो कि 100% रिफ्लेक्टिंग है, दूसरी तरफ भी कॉन्वेक्स मिरर है जो कि 95% रिफ्लेक्टिंग है। जो 100% रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स मिरर है उसमें से रेडिएशन कभी भी पास नहीं हो सकती, सारी की सारी रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। पर ये जो 95% रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स मिरर है, इसको बनाने का मकसद ये था कि जब इन रेडिएशंस की इंटेंसिटी हाई हो जाए जो कि लेजर बीम को प्रोड्यूस करने के लिए इनफ है, तो फिर उसके बाद इस मिरर से वो लेजर की बीम्स बाहर रिफ्लेक्ट हो सकें, बाहर निकल सकें। तो अब हम इस डिस्चार्ज ट्यूब को किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और जो फोटोन एटम में से इमिट होंगे तो वो उन कॉन्वेक्स मिरर्स से जाकर टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन उन एटम्स के साथ इंसिडेंट हो जाएंगे। एटम्स जो हैं वो उन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेंगे और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा। और जब बीम जो है ये हाईली इंटेंसिव हो जाएगी तो उसके बाद वो बीम उस 95% रिफ्लेक्टिंग कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्रैक्ट हो जाएगी और एक नैरो बीम हमें हासिल होगी जो कि मोनोक्रोमेटिक होगी, उसका एक कलर होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। अब बात करते हैं लेज़र बीम की एप्लीकेशंस के बारे में कि लेज़र बीम किन किन चीज़ों में यूज़ होता है। हम लेज़र की बीम को यूज़ करते हैं 3-dimensional इमेज लेने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3-dimensionally 3 axis में देखना चाहते हैं तो किडनी में जो स्टोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए लेज़र्स यूज़ किए जा सकते हैं। लेज़र लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ होती है, उसमें लॉस भी कम होता है और इंफॉर्मेशन लार्ज डिस्टेंस तक जाती है। हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में भी लेज़र की बीम को यूज़ कर सकते हैं एज अ पोटेंशियल एनर्जी सोर्स, और लेज़र की बीम्स को कटिंग में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि मेटल्स को कट करने के लिए, दूसरे मटेरियल्स को, ग्लास को भी कट कर सकते हैं, डायमंड को कट कर सकते हैं। वैसे तो लेज़र बीम के बहुत सारे यूजेस हैं, ये बहुत बेनिफिशिएंट है। अगर आपको मेरी ये वीडियो काम की लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फलक लर्निंग ट्यूब को, और अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।